रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ कीर्तिमान, T20 में बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, मार्टिन गप्टिल को पछाड़ा। भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने आज बेहतर शुरुआत की, लेकिन लगातार 2 विकेट गिरने के बाद थोड़े समय के लिए टीम इंडिया लड़खड़ाती हुई नजर आई। हालांकि आज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, जो लगातार टीम इंडिया को बल्ले से योगदान दे रहे हैं। लेकिन आज इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा कीर्तिमान दर्ज कर लिया है, या यूं कहिए रोहित शर्मा अपने स्थान पर वापस चले गए हैं। रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेले जा रहे पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 21 रन बनाते ही T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन अपने नाम कर लिए हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा एक बार फिर से पहले स्थान पर वापस आ गए हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने इस रिकॉर्ड में रोहित शर्मा को पछाड़ा था। मार्टिन गप्टिल ने हाल ही में स्कॉटलैंड के विरुद्ध 40 रनों की पारी खेली, जिसके बाद मार्टिन गप्टिल ने रोहित शर्मा को इस सूची में दूसरे पायदान पर खिसका दिया था। मार्टिन गप्टिल के नाम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 3,399 रन है। इस मुकाबले से पहले तक रोहित शर्मा के नाम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 3,379 रन थे, लेकिन 21 रन बनाते ही यानी कि 3,400 रन पूरे करते ही रोहित शर्मा ने एक बार फिर से ये उपलब्धि हासिल कर ली है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने आज बेहतर शुरुआत की, जहां उन्होंने अपने साथी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के साथ टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई। रोहित शर्मा के T20 करियर की बात करें तो कप्तान ने भारत के लिए 129 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 121 पारियों में 4 शतक और 26 अर्धशतक दर्ज किए हैं। इस दौरान रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 140 का है। ये बताता है कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए सबसे दिग्गज बल्लेबाज हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए वन इंडिया के साथ।